हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बहुत ही खूबसूरत से पौधे के बारे में बात करूंगी। ये है क्रीपिंग चार्ली, और इसका बोटैनिकल नेम की बात करें तो ये पीलिया की एक वैरायटी है। तो इसका नाम है, जो बोटैनिकल नेम है वो है पीलिया न्यूमुलेरिफोलिया, मतलब ये पीलिया की ही एक वैरायटी है और इसे क्रीपिंग चार्ली कहते हैं। ये हर्बेशियस प्लांट है। हर्ब मतलब ऐसे प्लांट्स जो छोटे रहते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स की हाइट छोटी होती है और उनके जो स्टेम्स वगैरह हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, देखिए ऐसे, तो इनको कहते हैं हर्बेशियस। तो ये हर्बेशियस प्लांट्स है, पेरिनियल है मतलब कि सारा साल चलता है, और एवरग्रीन है, हमेशा ग्रीन रहता है, इसमें कभी भी पत्ते झड़ते नहीं है, कोई इसका डोरमेंसी का बहुत टाइम नहीं आता है। हालांकि सर्दी में थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एज सच पत्ते झड़ के ऐसा डोरमेंसी का टाइम नहीं आता है इसमें। और ये इंडोर्स ऐसी जगह जहां पर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती है, या मॉर्निंग की एक आधा घंटे की जो है डेपल्ड सनलाइट भी आती है, मतलब विंडो वगैरह में से होके छनी हुई धूप जिसको कहते हैं, और डायरेक्ट भी अगर मॉर्निंग की एक दो घंटे की आती है तो वहां पर ये अच्छा लगता है। और इसको जो है वो हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। और जब इसको जमीन में लगा देते हैं तो ग्राउंड कवर की तरह काम करता है, फिर ये वीट जैसे काम करता है अगर ग्राउंड कवर में इसको लगा दिया जाता है। और इसकी लीव्स देखिए बड़ी अच्छी सी ब्राइट से ग्रीन कलर की होती हैं, और इनकी मार्जिन्स को देखिए आप, कितनी कितनी खूबसूरत मार्जिन्स हैं। देखिए मार्जिन मतलब ये बाहर का जो ये वाला किनारा है, जो ये वाला इसका जो आउटर एजेस है, एजेस जिसको कहते हैं, ये देखिए कितने खूबसूरती से कैसे गोलाई लिए हुए हैं। तो ये जो है ये यही चीज इसकी खूबसूरती लगती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पुदीना लगा हुआ हो, लेकिन ये पुदीना नहीं है। और इसके जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज्यादा फैलते हैं जमीन पे, और जहां जहां से ये, देखिए आपको मैं दिखाऊं, जहां से ये जमीन को टच करता है, ये देखिए दिख रहा है आपको, जहां से ये जमीन को टच करता है वहां से ये देखिए ये रूट्स आ जाती हैं वहां पे इसके। तो इसके स्टेम्स जो है बढ़ते जाते हैं जमीन के साथ साथ, और जहां जहां ये जमीन को सॉइल को टच करते हैं वहां से इसमें रूट्स निकलने लग जाती हैं। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। देखिए मुझे लगता है ये भी शायद एक रूट है, ये जो निकल रही है, नहीं है शायद ये रूट नहीं है। तो जहां से ये टच करता है वहां से इसमें रूट्स आती जाती हैं और ये फैलता चला जाता है। इसको छोटा पॉट अच्छा लगता है, आप इसको छोटे पॉट में लगाएं और थोड़ा सा रूट बाउंड सा होता है, हालांकि इसकी रूट्स ज्यादा डीप नहीं होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। 4 इंच के पॉट में लगाएं और पूरा ऐसे कवर कर लेता है, वो सिचुएशन इसको बहुत अच्छी लगती है। और वार्म टेम्परेचर्स का प्लांट है, या जहाँ फ्रॉस्ट होता है, जहाँ ज्यादा ठंड होती है, वो ज्यादा ठंड और फ्रॉस्ट ये बर्दाश्त नहीं करता है, थोड़ा गर्माइश वाला बर्दाश्त करता है ये एटमोसफियर। लीव्स इसकी कितनी शाइनी और खूबसूरत है, और इसको क्या है ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब आप देखो बहुत ज्यादा अच्छी सी ह्यूमिडिटी इसको पसंद है। तो मैंने अभी इसको ना, ये मेरा जो बेम्बू वाला प्लांटर है देखिए, इसके अंदर पौधों के बीच में रखा हुआ है, तो सारे 9 इंच के गमले एक साथ पड़े हुए हैं, तो वहां एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, एटमोसफियर क्रिएट होता है, वो इसको अपने चारों तरफ ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो इसलिए अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट या किसी में लगाएं तो इसको अच्छी तरह से स्प्रे करें पानी का, रोज एक बार कर दो रोज, तो इसको पसंद है। मिट्टी इसकी मॉइस्ट ही रखें और बहुत ज्यादा सूखने नहीं दें, थोड़ा बहुत एक आधा दिन मिट्टी सूखी रह जाए तो थोड़ा बहुत में चलता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मिट्टी सूखी नहीं करें, फिर भी ये थोड़ा सा पानी की कमी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। और क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है और पानी जो है वो बस मॉइस्चर है, इतना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो ये टेरेरियम्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। टेरेरियम क्या होते हैं ये, अब आपको मेरा वीडियो है टेरेरियम पे, वो देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। और जैसे अभी मैंने कहा कि जो जगह इसकी यहाँ टच करती है जमीन को, उसमें रूट आ जाती है, तो इससे आपको पता ही चल गया कि इसका प्रोपेगेशन बहुत आसान है। ये जो है छोटी छोटी सी कटिंग्स इसकी आप लगा दो,
तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रोपेगेट हो जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हुई हैं और बड़ी अच्छी तरह से चल रही हैं ये कटिंग्स। तो ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। और जैसे मैंने इसको कहा कि ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अच्छा लगता है, या पार्शियल एक दो घंटे की सुबह सुबह की धूप मिले उसमें ये अच्छा, मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा ये ग्रो करता है आपका पौधा। और सॉइल जो है वो इसको जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जैसे मैं अपने सारे पौधों की बनाती हूँ वो इसके लिए बहुत अच्छी है। गमलों में ज्यादातर वही सॉइल चलती है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड। तो ऐसे इसमें खाद डालें, ये बहुत अच्छा है। गमले का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। और फ्रॉस्ट हार्डी प्लांट नहीं है ये, ज्यादा जिनके यहाँ फ्रॉस्ट वगैरह होता है वो सर्दियों में इसको या तो कवर्ड एरिया में ऐसे ढके में रख ले, वार्म अच्छी लगती है, गर्माइश का पौधा है ये, इसलिए इसको फ्रॉस्ट पसंद नहीं है। छोटे छोटे पॉट्स में भी आप इसको, सिरेमिक के छोटे छोटे अच्छे सुंदर पॉट्स होते हैं उनमें इसको लगा सकते हैं। इनडोर रखें जहाँ मैंने कहा इनडायरेक्ट लाइट अच्छी आती हो, थोड़ी सी धूप भी आती हो तो चलेगा। और थोड़ा सा देखिए, जैसे ये हल्का सा ऐसे ट्रेलिंग प्लांट है, देखिए ऐसे, तो ये जो है वो जो हम कंटेनर गार्डन्स लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ग्राउंड कवर बहुत अच्छा है ये। और कोई रास्ते वगैरह बने होते हैं ना, पाथवे जो है उनके कॉर्नर में बॉर्डर बनाने के लिए, मतलब बहुत अच्छा पौधा है ये, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और मॉइस्ट एरियाज हो ना, जहाँ पे पानी हो, जैसे किसी पॉन्ड के किनारे, और वहाँ पर ये बहुत अच्छा चलता है। और पूल हो, कोई पॉन्ड हो, उसके किनारे बहुत अच्छा लगता है ये, और मतलब ज्यादा पानी भी बर्दाश्त कर लेता है ये, इसलिए ऐसे मॉइस्ट एरियाज में जहाँ पर जैसे पूल है, पॉन्ड है, उसके उसके आसपास क्या होता है, मॉइस्चर बहुत होता है एनवायरमेंट में, है ना, तो वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर इसको बहुत पसंद आता है, तो ऐसी जगहों पर ये बहुत अच्छा लग जाता है और थोड़ी सी एक दो घंटे की धूप भी बर्दाश्त कर लेता है। और बस इसको ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद अच्छी चाहिए होती है, तो फरवरी वगैरह में इसको अच्छी सी खाद दे दें आप, जैसे 9 इंच का गमला है तो एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी खाद दे दें, और लिक्विड फर्टिलाइजर जो हर 15 दिन में देते हैं हम पौधों को वो इसको दें, तो नाइट्रोजन इसको मिलती रहेगी, तो ये अच्छा सा ग्रो करता है। और पिंचिंग इसकी करते रहें आप, पिंचिंग करते रहने से क्या है, आपको पौधा बुशी बनता है। अब जैसे मैंने पीछे रखा हुआ है, देखिए है ना, वहां पर इसको थोड़ी सी लाइट भी कम मिल रही है, तो ये थोड़ा सा देखिए ऐसे लंबा लंबा लैगी हो रहा है ये, देखिए। तो थोड़ी सी ऐसी जगह रखें जहां इसको ब्राइट लाइट मिले, और या मॉर्निंग की धूप भी मिल जाए थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर ये ऐसा लैगी नहीं होगा। और पिंचिंग का क्या मतलब होता है, ये ऊपर की टिप ऐसे, ये ऐसे टिप को हटाना, ये इसको पिंचिंग कहते हैं। तो अगर आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो जैसे देखिए यहां से मैं हटाऊंगी तो नीचे से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, तो पिंचिंग करने से आपका पौधा जो है वो बुशी बनता है। तो इसकी आप क्या करें, पिंचिंग साथ साथ करते रहें, और उससे आपका पौधा जो है वो बुशी बनता रहेगा। तो बस ये सभी इसकी केयर के बारे में बताना था मुझे आपको, और बहुत खूबसूरत पौधा है, हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही प्यारा लगता है, ग्राउंड कवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।